Hi guys, welcome back to my channel. I'm Simranjeet Kaur. If you haven't subscribed my channel, please subscribe it. If you have, thank you so much. So, in today's video, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो है किस चीज़ के ऊपर. ये मेरे चैनल पे मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है कि मतलब आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखो ना देखो. सबसे पहले तो लोग मुझे ये ज़रूर पूछने आते हैं कि सिमरन तुमने शेयर कौन सा लगाया हुआ लिपस्टिक का. तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए. आई एम वेरी बिग फैन ऑफ न्यूड शेड्स. तो अभी ऐसा देख रहा हूँ मैं न्यूड शेड ही लगाया हुआ है. मतलब अगर मुझे सारी लिपस्टिक्स में से भी कुछ चूज़ करना हो तो अपने न्यूड शेड्स ही चूज़ करूँगी. तो मेरी कुछ टॉप 10 लिक्विड मैट लिपस्टिक्स है. वैसे मेरे पास बहुत सारी लिपस्टिक्स आपको मैं दिखाना चाहती हूँ. पहले यू कैन सी, एक तो ये मैंने पूरा ये मंगवा रखा है, ये पूरा मेरा भर रखा है. ये सारी हैं. इनमें से मैंने कुछ बाहर निकाल के रखी हुई हैं जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि जो मेरी फेवरेट टॉप 10 है. ये मेरी कुछ लिपस्टिक्स हैं, ये सब मेरे टॉप 10 न्यूड लिपस्टिक्स हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी जस्ट गो स्ट्रेट टू द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग अगर मुझे पहले से ही फॉलो कर रहे हो तो आप लोग मेरे देखोगे कि मैं हमेशा ये दो लिपस्टिक्स ही यूज़ करती हूँ. और इस चीज़ का आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं जो जो आपको लिपस्टिक्स कोई भी मैं आपको प्रोडक्ट्स अगर मैं दिखाऊंगी तो कहाँ से आप लोग ढूंढ पाओगे उसको. तो मैं आपका इजीली मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लोग वहाँ से देख लेना. और बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि तुमने कौन सी लिपस्टिक यूज़ करी है, हमें नहीं मिल रही है. तो मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक्स मैं डालती हूँ, तो आप एक बार उसको चेक कर लिया करो, तो आपको वहाँ से आसानी से मिल जाएंगी. तो द लिपस्टिक विच आई एम वेयरिंग इज़ वेना 20. दिस इज़ एक्सपोज लिपस्टिक. अगर मुझे अपनी इन सारी लिपस्टिक्स में से चूज़ करना पड़े कि मुझे कौन सी न्यूड लिपस्टिक लगानी है, तो मैं सब हमेशा मैं इन दो के लिए ही जाती हूँ. दिस इज़ एक्सपोज इन कलर लिपस्टिक. कलर बार की है ये. मतलब मुझे इससे अच्छी तो कोई अब तक लिपस्टिक लगती ही नहीं है कि मतलब अगर मुझे कहीं मुझे हाथ रखना है मैं इसके ऊपर रखूँगी. इनको ही मैं छोड़ दूँगी सबको, बट मैं ये ज़रूर यूज़ करूँगी. तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. बहुत ही सस्ती, एक मतलब एक अच्छी क्वालिटी के हिसाब से. इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है. तो आप लोगों को कम पैसे में भी बहुत ही एक अच्छी चीज़ मिल रही है. तो आप इसके लिए ज़रूर 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 जाओ. इसका टेक्सचर, इसका क्या बोलूँ, मतलब कि इसका ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. बट हाँ, इसकी एक ड्रॉबैक ज़रूर है कि ये ना आफ्टर 6 या पता नहीं 12 आवर्स के बाद ये ना थोड़ी हट जाती है. मतलब ये इसका स्टे इतना बहुत अच्छा नहीं है. मतलब जब देखो आप इससे टेक्सचर इसका लगा हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है लगी हुई. तो अगर आप इसको लगानी है, मतलब डेली बेसिस के लिए अगर आपको इसको यूज़ करनी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. तो डेली बेसिस के लिए मेरी वन ऑफ माई फेवरेट लिपस्टिक है. वरना अगर आपको ऐसे कोई चाहिए इसका बहुत ज़्यादा स्टे अच्छा है, तो आप लोग मेबेलिन वाली के लिए जा सकते हो. वो हल्की सी इससे थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है, बट उसका टेक्स्चर वो बहुत ज़्यादा अच्छी है. तो आपको मैं इसका वो दिखा दूँ, ज़रा स्वॉच करके दिखा दें ज़रा. ये है मेरी स्पेन 08. नेक्स्ट इज दिस वेना 20. ये तो मेरा वन ऑफ माई फेवरेट है भाई, बहुत ही सही है. मेरे को और कोई दिखे ना दिखे मैं इसको लगाने लग जाती हूँ. ठीक है, ये होगी मेरी टू लिपस्टिक्स हो गई है मेरी. उसके बाद ये आती है मिस क्लेयर की सॉफ्ट मैट लिप क्रीम. ये है 59 शेड. इसके टेक्सचर देख रहे हो, एकदम ही ज़्यादा ये सॉफ्ट. कलर इतना अच्छा है इसका, न्यू शेड बहुत अच्छी है, नेचुरल लगती है, तो बहुत ही अच्छी है. फिर आती हैं ये ना कुछ ना आई मैजिक के, ये सारी की सारी मैंने ना ये इसका एक पैक मंगवाया था, दो पैक मंगवाए थे, जिसके अंदर आपको फोर, एक में फोर दूसरे में फोर भी थी. तो 8 लिपस्टिक्स हैं मेरे पास, मुझे एक मिल ही रही है, कहाँ है वो. तो इसके कुछ न्यू शेड हैं एक दो जो काफ़ी मुझे अच्छे लगते हैं. तो अगर आपको आई मैजिक की चाहिए तो मतलब वो आती मेरे ख्याल से तो शायद पैक में ही आती है. तो अगर आपको चाहिए होगी तो मैं जिस पेज से मैंने मंगवाई थी उस पेज में वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से चेक कर लेना एक बारी. तो आपको मैं दो ज़रा लिपस्टिक्स दिखा दूँ न्यूड शेड वाली. ये है न्यूड वुड. दिस इज लिटिल पिंक न्यूड. एंड दिस इज आई मैजिक M03 रूल ब्रेकर.
इस आई मैजिक वाले की आपको मैं एडवांटेज जो है वो ये है कि जो इसका जो एप्लीकेटर है, जो इसका ब्रश है, वो इतना सही है कि एकदम अच्छे तरीके से ना इस तरीके से एक ही बारे में आपकी लिपस्टिक लग जाती है। और ये बहुत ही ज़्यादा दिस इज़ ए लिक्विड मैट लिपस्टिक। तो अगर जैसे कि आप लोगों में से नहीं यूज़ करते हैं लोग मैट लिपस्टिक्स, बट वो लोग लिक्विड लिपस्टिक्स यूज़ करते हैं, लेकिन उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि हम लोग जो लिक्विड लिपस्टिक यूज़ करते हैं वो या तो कहीं पर वो स्टेन देती है, लग जाती है वो कहीं पर, या फिर दूसरी चीज़ एक ये होती है कि आपको थोड़ा सा वो मतलब अच्छा नहीं लगता लिप्स पे लगा हुआ, बट आपको लिक्विड ही यूज़ करनी, मैट आपको अच्छी नहीं लगती लगानी। तो आप लोग लिक्विड मैट लिपस्टिक के लिए जाओ। मैं भी, मुझे जैसे मैट पसंद है, लिक्विड लिपस्टिक्स नहीं पसंद, मुझे मैट पसंद है, बट मैट में मुझे लिक्विड मैट पसंद है। तो हमेशा आपने मुझे अभी तक, मैंने आपको चार लिपस्टिक्स मैं आपको दिखा चुकी हूँ, तो चारों के चारों आपको लिक्विड मैट लिपस्टिक है। यू नो, अगर आप लोगों को ऐसे लिपस्टिक्स नहीं पसंद हैं मैट वाली और आपको लिक्विड लिपस्टिक्स अच्छी लगती हैं, बट अगर आपको एक बहुत ही अच्छा सा एक फिनिश चाहिए ना अपने लिपस्टिक के अंदर, तो आप लोग उसको थोड़ा सा चेंज करो। आप लोग जाओ लिक्विड मैट लिपस्टिक्स के लिए, उसके अंदर जो एक फिनिश आता है ना आपके लिप्स के ऊपर, और कोई आपको लिपस्टिक नहीं दे सकती। सो नेक्स्ट लिपस्टिक इज दिस मेबलिन की है, ये 630 वेलवेट पेज। के बाद एक ये है मेबलिन की है, ये दिस इज 660 टच ऑफ स्पाइस। ये जो लिपस्टिक है ना, कोई वर्ड ही नहीं मेरे पास इन सबको ना एक्सप्लेन करने के लिए। ये भी थोड़ा सा ना ये वो देता है ग्लॉसी सा लुक, तो मैं इसको ना बहुत ही कम होता है कि मैं इसको लगाती हूँ, बट ये है जब भी मैं इसको लगाती हूँ ना बहुत अच्छा लगता है, तो बट इसलिए मुझे होता है ये ख़त्म ना हो जाए, तो मैं इसको कभी कभी यूज़ करती हूँ। एक ये है कि मेरा डिलेंसी लिक्विड लिपस्टिक है, इसके अंदर ना आपको सारे शेड्स मिल जाते हैं। मतलब अगर आपको कोई ऐसे शेड के लिए जाना है जिसके अंदर आपको सारे के सारे लिपस्टिक्स मिल जाएँ, तो जैसे इसमें आपको रेड शेड भी मिल रहा है, डार्क शेड मिल रहा है, पिंक मिल रहे हैं, न्यूड्स मिल रहे हैं, मतलब आपको एक ही अगर सारा चाहिए तो आप लोग इसके लिए जा सकते हो। ये आई थिंक सो मुझे 1600 का पड़ा था, मतलब कि आपको एक लिपस्टिक 200 की पड़ रही है। तो आई डोंट थिंक कि ये डिलेंसी लिपस्टिक आपको एक सिंगल मिलती है, आई थिंक सो ये ऐसे ही मिलता है, पूरा बॉक्स मिलता है इसका। तो अगर आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अगर करनी है आपको लिपस्टिक्स के ऊपर, आपको बार बार ना खरीदनी पड़े, इकट्ठी आपको सारी लिपस्टिक्स मिल जाएँ, तो आप ये बॉक्स ले लो, बहुत ही ज़्यादा सही है। कुछ और आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको उसमें रेड भी चल रहा है, पिंक भी मिल रहा है, न्यू भी मिल रहा है, तो सही है। जो मैंने आपको अभी ये जो बॉक्स, तो इस बॉक्स में ना ये एक है ये लिपस्टिक, इसका नाम है ब्लो, शेड नेम इज़ ब्लो। सो फिर उसके बाद एक ये है, ये भी डिलेंसी की है, इसका शेड नेम है डिवाइन। ये डार्कर शेड है ये न्यूड का, ये भी आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा ही होगा। एक ये लिपस्टिक है, ये ADS की है, थोड़ा पिंक न्यूड है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये शेड्स ना हमको सेम ही लगते हैं, सेम नहीं होते हैं। यूज़ करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि शेड सेम नहीं होते, आपको उसमें डिफरेंस करना आ जाएगा कि न्यूड्स अलग अलग तरीके के कैसे होते हैं। तो मैंने आपको ये 10 लिपस्टिक्स मैंने आपको दिखा दी हैं। सो अगर आप लोग मेरे से अब ये चीज़ पूछो कि सिमरन अगर हमें कोई लेनी, अपने तो 10 बताई हैं, तो अब ये तो है नहीं कि हम लोग 10 की 10 खरीद लेंगे, तो इन 10 में से कोई ये चीज़ कोई ऐसी बताओ कि जो आप अभी रिकमेंड करते हो लेने के लिए, जब लें तो आपको मैं ये 3 रिकमेंड कर रही हूँ। दिस इज़ इन कलर की है, ये एक्सपोज लिपस्टिक, और ये है मिस क्लेयर की। आप इन तीनों के लिए आप जा सकते हो, इसके अलावा और भी जितनी मैंने आपको बताई सबके लिए जा सकते हो, बट अगर आपको अभी जैसे आपको डेली बेसिस के लिए चाहिए तो आप इन तीनों के लिए जाओ। अफोर्डेबल है, बेस्ट प्राइस है, क्वांटिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों बहुत अच्छा है। सो दैट इज़ इट गाइस, आई होप कि मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा अपनी सारी न्यू लिपस्टिक्स जो मैं यूज़ करती हूँ, और आपको जो मैंने रिकमेंड करी है, आपको जो सारे स्वॉचेज़ मैंने दिखाए हैं, आपके हेल्पफुल होगी ये वाली वीडियो, ताकि आप लोग आसानी से लिपस्टिक्स खरीद सको। सो अगर आप एक भी लिपस्टिक या कोई भी लिपस्टिक परचेज़ करते हो,
तो एक मेरे कमेंट में ज़रूर डाल देना या फिर DM ज़रूर कर देना कि लाइक सिमेंट यू हैव रिकमेंडेड अस एंड इट इज़ अ वेरी गुड लिपस्टिक, आई लव इट. और इफ़ यू डोंट लाइक इट जस्ट लेट मी नो डैट कि आपने खरीदी थी एक और आपको अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी. तो एक बार ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में या फिर DM ज़रूर कर देना. और सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, तो आप लोग इसको मत चिंता करना कि लिंक कहाँ है या फिर जो जैसे लिपस्टिक बताई वो कहाँ से हम लोग लें. सारे नायका पे अवेलेबल हैं, ले लेना आप आराम से. कोई आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कहाँ से ली जाए, कौन सी लिपस्टिक ली जाए, तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो या सो आई विल मीट यू सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.